भाई अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं तोरी के छिलके। तोरी के छिलके बनाने के लिए हमने 500 ग्राम तोरी के छिलके लिए हैं और हमने लिए हैं 2 प्याज जो हमने इनको भी बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। हमने लहसुन लिया है, ये हमने इस तरह से कूट कर रख लिया है। अब ये हमने 10 से 12 कली लहसुन की ली थी और हमने इस इमाम हिस्से में डालकर इनको मोटा मोटा कूट लिया था। ये हमने लिए हैं 2 प्याज, ये भी हमने कट कर लिए थे। अब हम इनका कच्चापन खत्म होने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है और लहसुन का भी। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर जो हमने कट करके रख लिया था और 10 से 12 हरी मिर्च। ये हमने ली है 1 कप चने की दाल जो हमने 1 घंटा भिगो कर रख दिया था। अब हम ये भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। अब हम सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं। चने की दाल जो हमने इसमें डाली थी, अब हमने सभी मसाले अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और सभी मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लें। ये देखिए गाइस, जो इस तरह से हम चने की दाल जो छिलके जो तोरी के बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, तोरी से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हम इस तरह से आप हमारी रेसिपी ट्राई करें। सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से सभी मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें तोरी के ये छिलके डाल देते हैं। हमने सभी मसाले इस तरह से तोरी के जो छिलके हैं उनके साथ में मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी। पानी डालकर भी हम अच्छे से चला देते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसके लगा देते हैं लीड। हम इसमें लगाएंगे 4 से 5 सीटी। ये देखिए गाइस, 4 से 5 सीटी लग चुकी है। अब हमने इसकी जो प्रेशर है वो इस तरह से ही छोड़ दिया था, वो निकल चुका है। और अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इनको भून लेते हैं और ये अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको गैस ऑन कर लेते हैं और इनमें जो पानी है ये हाई फ्लेम पर ड्राई कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए गाइस, और ड्राई कर लेते हैं अच्छे से, जो इसका पानी है अच्छे से भून जाएगा। हमने इसको अच्छे से भून दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से भून चुके हैं हमारे तोरी के छिलके। हमने ये चने की दाल में बनाए हैं, आप इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम कर देते हैं गैस को बंद। अब हम इसको करते हैं सर्व। ये देखिए गाइस, तोरी के छिलके बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।